सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है। तो आज की वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं कि आज आप कैसे सिन नंबर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अप्लाई सिन नंबर ऑनलाइन, सिन ऑनलाइन, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि भैया सारा बंद है, कैसे अप्लाई करें सिन नंबर। और आपको सबसे पहले हम ओवरव्यू, ये वेबसाइट खुल जाएगी कैनेडा की, सबसे पहले हम ओवरव्यू दिखा देते हैं। ओवरव्यू में आपको मैं एक एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा, आप सबको पता लग जाएगा। तो ओवरव्यू में ये बताया कि जो सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है वो 9 डिजिट का होता है, ठीक है। 9 डिजिट का सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, और जो सिन है वो इशू एक ही पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, जिस पर्सन की आइडेंटिटी है, ठीक है। और अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर कभी भी भूल कर भी ऑनलाइन किसी भी पर्सन को नहीं देना है, अनटिल और अनलेस आपको पता हो कि वो जेन्युइन एजेंसी है, ओके। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी तो आप हो ही, क्योंकि 12 साल और ओल्डर को वाले को सिन मिलता है। और हाउ टू अप्लाई के बारे में अब आपको मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगने हैं। हाउ टू अप्लाई के बाद यहाँ पे आ जाएगा, अप्लाई का ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा व्हाट यू नीड बिफोर यू अप्लाई, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं हमारे, जिससे हमें पता लग जाए कि हम सिन अप्लाई करें। सबसे पहले आपका लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब पासपोर्ट लग सकता है, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट वो यूज़ हो सकता है सिन रिकॉर्डिंग सिन के लिए, क्योंकि आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग मीन्स मतलब आपको स्टडी परमिट जो मिलेगा आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग, तो ये लिखा हुआ है, ये देखो, टेम्परेरी रेजिडेंट मस्ट प्रोवाइड, टेम्परेरी रेजिडेंट है ना, तो हमें स्टडी परमिट अपना दे सकते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। रिन्यू भी यहीं से होगा। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट ये हो गया। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स में जब आप न्यू आते हो, ठीक है, तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा। तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने अपने फ्रेंड का अप्लाई किया था, तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स में फोटोकॉपी नहीं लगेगी, ओरिजिनल आपको स्कैन करना है। तो रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट तो है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि आते ही अपना एक लाइसेंस जरूर बनवा लेना। एक ओंटारियो लाइसेंस होता है, ओंटारियो कार्ड $15 to $25 का बनता है, या आप ड्राइवर लाइसेंस बनवा लेना, ठीक है। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर सिन करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर सिन पर क्लिक करने के बाद, जब आप क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर सिन, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप पे, यहाँ पे आपका लिखना है फर्स्ट सोशल इंश्योरेंस नंबर। अगर आपका फर्स्ट सोशल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, उसकी मैं डिफरेंट वीडियो डाल दूंगा, हाउ टू रिन्यू योर सोशल इंश्योरेंस नंबर, दो वीडियोस बन जाएंगी ताकि दोनों कन्फ्यूजिंग नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट सोशल इंश्योरेंस नंबर पे यहाँ पे आपका गिवन नेम आएगा, और यहाँ पे नेम एट बर्थ आएगा, गिवन अदर गिवन नेम मतलब अगर आपका प्रीवियसली यूज्ड हुआ है तब आप वो फिल करोगे। तो फैमिली नेम आपका यहाँ पे आएगा, फैमिली नेम क्या है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और यहाँ पे पेरेंट्स का, पहले मम्मा का भरना है या पापा का भरना है, आप दोनों भर सकते हो, ठीक है, पहले मम्मा का भर दो या पापा का भर दो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एप्लीकेंट जैसे ही आप ये करोगे ना, सारे आपको ये भरना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करोगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन आएगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे, ठीक है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दोगे, ध्यान रखना जब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आप कैम स्कैनर यूज़ कर सकते हो, अगर आपने स्कैन नहीं किया है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि जो भी कैनेडा आ रहा है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके एक फोल्डर बना के अपने साथ ड्राइव शेयर कर ले ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ड्राइव ईमेल में शेयर करने का ये बेनिफिट होता है, आपको पेन ड्राइव लेके इधर घूमना नहीं पड़ेगा इधर उधर, आप डायरेक्टली ड्राइव के थ्रू अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ला सकते हो।
और इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने अपडेट कराना है वो ये यूज़ करेंगे और जिन्होंने करेक्शन कराना है वो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंज करवाना होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सारी ऑप्शन से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है, आपको फर्स्ट तो सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो सोशल इंश्योरेंस नंबर घर से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। सोशल इंश्योरेंस नंबर मतलब अगर रिक्वायर्ड है, डिड यू एप्लीकेंट हैव सिन, नो, यहाँ पे लिख देना नो और आपको ये आराम से भर देना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे नो करोगे यहाँ पे आप नहीं भरना आपको, ठीक है, कुछ नहीं भरना आपको सिन नंबर वगैरह, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये रही वीडियो आज की, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।